वेलकम टू माय चैनल फूड पॉकेट। आज हमारी फूड पॉकेट की किचन में बनने जा रहा है तंदूरी लौकी की सब्जी, है ना अनोखी चीज। आइए फिर बनाने चले। आज हम लौकी के अंदर लौकी की सब्जी बनाएंगे, जो कि यहाँ पर मैं देखिए एक ना ऐसे वाला बड़ा सा लौकी ली हूँ, जिसको घिया भी बोलते हैं। इसको हम पहले क्या करेंगे, ये जो एरिया है देखिए यहाँ पर सामने की तरफ, ये वाले मैं कट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए हमने कट कर लिया है इसे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे एक हम बाउल लेंगे और इसको स्कूप करेंगे। ये भी हम स्कूप करके रख लेते हैं। और अंदर में जो लौकी है इसको भी करेंगे। पहले ये लौकी के अंदर की मैं दिखा देती हूँ आपको, कोई भी चम्मच हो कुछ भी हो उसकी मदद से ना आप उसको स्कूप करके निकाल के हमें एक जगह पे लेनी है पहले। ये देखिए हमने ना स्कूप करके सारे अंदर की पार्ट्स हमने निकाल रखा है, ये देखिए पूरा खाली है। और इसमें हम बनाएंगे हमारी लौकी की सब्जी। और इस ये वाले जो हिस्सा है इसको भी मैं ना थोड़ा सा स्कूप करके निकाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं निकालनी है, इतनी इतनी में रखती हूँ, क्योंकि वो ढकने का काम आता है, ऐसे करके हम ढकेंगे ना, तो इसीलिए पहले हम ना अभी सब्जी बनाते हैं। हमने जो स्कूप करके लिया था ये देखिए, इसको मैं एक पैन में ले रही हूँ। और हमें क्या करनी है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कर देती हूँ। थोड़ा सा ये बड़े बड़े पीसेस है, मैं छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ इसको। इसको हमने देखिए लौकी को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी मैं डाली हूँ इसमें। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, ये भी हाफ टी स्पून मैंने डाला है। और इसमें हम अभी डालेंगे थोड़ा सा, हमें पानी चाहिए इसमें, थोड़ा सा हमें बॉयल करनी है इसे। तो अभी इसको मैं क्या करूँगी, अभी गैस में रख रही हूँ। अब हम मैं इसको ना ऐसे गैस में रख के थोड़ी देर के लिए कुक होने में छोड़ देती हूँ इसको ढक के। हमारा लौकी देखिए हो चुका है, अभी मैं इसे बंद कर रही हूँ, फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं। और ये गल भी चुका है अच्छी तरह। अब आइए इसको सब्जी बनाते हैं। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। और ये पैन जो है जिसमें मैंने ये रखा था, इसी पैन को मैं अभी गैस पे रख रही हूँ इसे सब्जी बनाने के लिए। जिस कढ़ाई में मैंने बॉयल्ड किया था लौकी को उसी कढ़ाई में ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून होंगे। और ये थोड़े गर्म होने देते हैं। हमारा देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ी सी साबुत जीरा डाल रही हूँ। जीरा देखिए अच्छी तरह ये भी चटकने लगा है। इसमें हम अभी डालेंगे एक हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसमें हम अभी डालेंगे ये देखिए अदरक कसी हुई है, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था। और इसमें हम देखिए लहसुन में 6-7 लहसुन ली हूँ, इसको छोटे छोटे कट करके मैं इसमें डाल रही हूँ। ये लहसुन थोड़ी सी भून जाए फिर हम इसमें, मैं एक छोटा सा प्याज ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे डालेंगे अभी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, में थोड़ी सी ली हूँ देखिए, ये ऑप्शनल है, आप
आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये अदरक लहसुन की जो मैं कटी हुई और ये कद्दूकस करी हुई डाली हूँ ना, इसके बदले में आप ना पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का। और इसमें हम डालेंगे, मैं थोड़ी सी छोटा टमाटर ली हूँ, थोड़ी देर हमें इसे पकने के लिए देना है। थोड़ी देर हम क्या करेंगे, ऐसे ही थोड़ा सा हमें सोटे करके, और इसमें हम डालेंगे अभी थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, क्योंकि पहले हमने लौकी में नमक डाला था, तो ये हाफ टी स्पून नमक में डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, हल्की सी 1 पिंच। और इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, और हमें ना ये जलने थोड़ा सा जल रहा है जैसे दिख रहा है ना, हमें थोड़ी सी पानी डालनी है इसमें, ताकि हमारा जो ये टमाटर है और ये प्याज है ये अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, ये हाफ टी स्पून में जीरा डाल रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और इसमें मैं थोड़ी सी ना कोई सा भी सब्जी के मसाले होंगे, जैसे किचन किंग हो जो भी है, वो मसाला आप डाल सकते हैं इसमें। इसमें भी मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह हम अभी सौटे कर लेते हैं। हमारा देखिए टमाटर भी अच्छी तरह गल चुका है। अब ये लौकी जो हमने उबाल के रखा था इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें ना थोड़ा सा देखिए मैं पनीर छोटे छोटे पीसेस में काट के रखी थी इसको डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं। ये अच्छी तरह कुक हो जाने हम इसको अभी ढक के थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 मिनट जैसे, ज़्यादा नहीं, हम ढक के इसको छोड़ देते हैं। हरी सब्जी देखिए ये कुक हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। और इसको हम क्या करेंगे अभी, इसे उतार के हम अलग से रखेंगे, और हमारा जो लौकी है लौकी को डायरेक्ट हम ऐसे फ्लेम के अंदर, देखिए मैं गैस पे कैसे रखी हूँ, ऐसे रखना है हमें। और इसमें हमें क्या करनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालनी है जो लौकी हमारी जो बन गई है सब्जी, इसको हम इसके अंदर डालना है सारे, क्योंकि इसमें ना तंदूरी फ्लेवर हम डालेंगे, तो इसको अभी इसमें डालते हैं सारे सब्जियों को। ये देखिए हमने भर लिया है इसे, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता और एक बार डाल रही हूँ। और इसको हमें ना ऐसे ढक के, जो उसका कवर था आपको पता होगा जो हमने उसकी निकाला था ना ऐसे स्टार्टिंग से, तो ये ना मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, और ये पकेंगे हमारी, फ्लेम को हमें मीडियम पे रखनी है, तभी इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं देखिए एक करछी ऐसे ली हूँ जो कि घी में है, मैंने इसमें 3 टेबलस्पून घी दिया है। इसको हम ना अच्छी तरह गरम कर लेते हैं पहले, और इसमें ना थोड़ा सा मैं डालूंगी हल्दी पाउडर 1 पिंच, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा साबुत जीरा। पहले इसको पूरा घी मेल्ट होने दीजिए। अब हम इसमें डालते हैं साबुत जीरा, और जीरा को हमें थोड़ी सी अभी वो अच्छी तरह क्रैकर होने लगे, देखिए जीरा पर उठ ले। ये देखिए इस तरह हमें जीरा देखिए हमने जो डाला था ऊपर ऊपर आ गए हैं, और ये आग भी देखिए आग भी पकड़ चुका है, और हम थोड़ी देर के लिए इसे फिर से रखेंगे यहाँ पे। क्योंकि हमें स्मोकी फ्लेवर देनी है। ये देखिए ये आग निकल चुका है। अब मैं इसको लेके
इसके ऊपर डाल के इसको हम अभी क्या करेंगे, ऐसे ढक देंगे। हमने इसको ढक लिया है, थोड़ी देर हमें इसे ढक के रखना है क्योंकि अंदर वो स्मोक जो हमने अभी डाला है ना, वो अंदर अंदर वो सब्जी में जाके और वो टेस्ट भी लगेंगे आगे। तो हमें इसे थोड़ी देर पकानी है, 5 मिनट तक, फिर हमें इसे उतारनी है। हमारी देखिए लौकी की सब्जी हो चुकी है। इसको हम अभी ना एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। हमारी तंदूरी लौकी की सब्जी देखिए बनके तैयार हो चुकी है, बड़ा डिलीशियस लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको चावल, पूरी या रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।